आ गए सब लोग गुड इवनिंग एवरी वन वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग यस जस्ट गिव मी अर सेकेंड आई विल शेयर इट क्विकली वन मिनट यस वेरी गुड इवनिंग एवरी वन वेरी गुड इवनिंग देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरे जोश से आपको पढ़ाऊँ मेरी हालत पूरी तरीके से टोटली डाउन है बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी फुल अपनी अटैम्प्ट करें ओके okay? फुल, फुल 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 एनर्जी के साथ आपको ये सेशन अटैम्प्ट करना है एक सेकेंड रुक जाओ खाली सबके साथ शेयर कर देने दो एंड देन विल स्टार्ट बस टेलीग्राम पे शेयर कर देने दो जस्ट अ सेकेंड डी yes, यह so yeah, आपका फुल सिलेबस अभी तक हमने चार सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं चार सौ एमसीक्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं आज और हंड्रेड एंड टू एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यस एवरीबडी तो आर यू ऑलरेडी जल्दी जल्दी बताओ यस yes, चलो टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ गया होगा आपको टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है ओके तो लेट्स स्टार्ट ओके चलो स्टार्ट करें यस बताओ फटाफट से स्टार्ट करें। हेलो 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबडी लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए एग्जाम आता एकदम डोकेवरती आ है जाना जाना एग्जाम से टेंशन आए प्लीज अजीब टेंशन घेऊ ना यस सब आपका बढ़िया से हो जाएगा ओके चलो स्टार्ट करते हैं ओके ओके वी आर रेडी टू फाइट अरे अजय सर इज बिजी इन इज ऑफलाइन लेक्चर वो नहीं पोल दे पाएंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन के साथ एंड ये रहा आपका आज का फर्स्ट एम सी क्यू किधर गया हाँ ये रहा यस ये और आज देखो मैं खाली ट्वेंटी सेकेंड्स लेकर आई हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके आपको रिविजन के लिए ज्यादा टाइम मिले और मेरी नाक की भी हालत देखो यस चलो हो गया टाइम अप क्या था अपना क्वेश्चन आपको मैच करना था ये क्लास इलेवेंथ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन है माल्टोज बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से सो तो ए का ऑप्शन आएगा टू ए uh, और सी में है बी और डी पहले एलिमिनेट हो गया सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से तो सी का आंसर आएगा थ्री सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्योंकि बी है ना मेरे को लगा कि सुक्रोज सी है सुक्रोज का आंसर आएगा थ्री सो बी का आंसर आएगा थ्री सो सी इज दी राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो यहाँ से आपके क्लास इलेवन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से दिया गया था ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर टू एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पे टेलीग्राम ग्रुप पे टेक्स्ट बुक बोल रही हो आर ऐसा लगता है से टाइम जाता है कंप्यूटर में ऐसे ही टाइम जाता है जल्दी 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 नहीं किया तो टाइम ऐसे हवा के जैसे उड़ जाता है इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन ए टी एस इन साइड पाइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अवेलेबल बाय विच मॉलिक्यूल बाय एनएडीएच एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग साइकिल आर देखो ये मॉलिक्यूल से हमको ए टीपी मिलती है एनएडीएच टू से थ्री ए टीपी एक एन एडीएस से टू ए टीपी तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर ये देखो एन एडीएस टू एंड एच एफ एडीएस टू से हमको एटीपी मिलता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री कम ऑन जल्दी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट इज क्या आएगा इसका आंसर बताओ फटाफट से यस हाइपर वॉल्यूम नीश यानी कि जब आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का पोजिशन समझ में नहीं आता तो वो आ जाएगा हाइपर वॉल्यूम में बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन स्पीशीज ओके चलो येस सी दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चलो अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर कम ऑन यू कैन डू इट इतनी तबीयत खराब होने के बाद मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हो आंसर दे ही सकते हो यस यू आर माई चैंप्स दिख नहीं रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लो बेटा जिसका एग्जाम कल है टेंशन मत लो सेशंस अच्छे से अटेंड करो आंसर दो ये आपके चैप्टर फाइव का क्वेश्चन है मार्सोपियल्स क्या होते हैं पाउच एनिमल्स तो ए का आंसर क्या आएगा टू ये ए और बी पहले कट हो गया और यूथेरियंस क्या होते हैं प्लेसेंटल एनिमल्स तो सी का आंसर क्या आएगा वन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ये देखो ये टेबल दिया है मार्सोपियउस्ट एनिमल्स मोनोट्रीम्स एंड यूथेरियंस डन चलो शाबाश ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव कवॉन कवॉन न डू इट टाइमअप डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्प्लीट सेक्स लिंकेज कंप्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें से इश्ति ऑसिस ओके ये देखो कंप्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जाम्पल क्या आएगा हीमोफीलिया रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस माइपिया इश्थियोसिस हाइपोट्रिकोसिस ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर ओके चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे यस yes. एग्जैक्टली exactly. नहीं 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 एग्ज़ाम की लैंग्वेज नहीं चेंज होती है एग्ज़ाम सेंटर पे सब 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 एडमिशन जो है सब अपने रिजल्ट आने के बाद डिक्लेयर होता है सब एडमिशन जो है वो रिजल्ट आने के बाद डिक्लेयर होता है ओके okay? गैमेट yes, बनता है तो गैमेट कि एग सेल रहता है ओके सो एम सेक इज अवर फीमेल गेमेटो फाइट एम्ब्रियोसैक क्या है अपना फीमेल गमैटो फाइट ओके चलो नेक्स्ट ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन टाइम स्टार्ट नाउ चलो जल्दी थैंक यू थैंक यू मॉडरेटर्स सेकेंड अटेम्प्ट होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मत बैठो पहला अटेम्प्ट चुपचाप अटेंड करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट टू नोसेमा लेक्यूस्टे ग्रास हॉपर इज द होस्ट ये देखो आपका जो ग्रास हॉपर है वो आपके नोसेमा लोकेस्टे का होस्ट है दिस इज फ्रॉम चैप्टर इलेवन आज सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी कि लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो आप वैसे तो यूट्यूब पे फालतू टाइम पास करते रहते हो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं देखते हो तो जाके जो मैंने सुबह लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी अभी इवनिंग में चार पाँच बजे जो वीडियो आई है वो जाके देखो उसमें मैंने बताया है कि आपको हर एक चैप्टर के टेबल्स वगैरह जो है डायग्राम्स जो है ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है मैंने आपको उसमें लास्ट मिनट टिप्स दी है जो आप इधर पर मांग रहे हो और वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट टाइम स्टार्ट्स नाउ मैं आराम करूंगी तो तुम लोग तो मेरी जान ही ले लोगे कुछ भी हो कल एग्जाम है इसीलिए मैं सेशन लेने आई हूँ चलो जल्दी जल्दी यस क्या आएगा इसका आंसर राइस कॉर्न कॉन पोटाम सेल्विया किगेलिया इसमें से कितने फ्लावर्सोफिल एनिमोफिलस एनिमो है विंड पॉलिनेशन राइस विंड पॉलिनेशन होता है कॉर्न विंड पॉलिनेशन होता है ये देखो एनीमोफिल तो और, और, और कौन सा है पोटामोटॉन एंड ये भी आपका विंड पॉलिनेशन है बाकी सेल्विया और कीगेलिया ये आपका बैड पॉलिनेशन से होता है और ये आपका वाटर पॉलिनेशन से होता है सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर चलो नाउ कम्स योर क्वेश्चन नंबर नाइन ऐसे टेबल्स रिवाइज करके जाओ वन शॉट वीडियो देख के जाओ अभी एक दिन पहले आपको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है यस yes. डरो मत रे डरो मत सब अच्छे से होगा डरो मत मेरे शेर बच्चे हो तुम लोग ठीक है गल इज विथ यू डोंट वरी आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा डोंट वरी जस्ट गिव योर बेस्ट ऑल द बेस्ट श्रद्धा वेरी वेरी ऑल द बेस्ट अच्छा जाएगा एग्जाम जिसका जिसका कल एग्जाम है सबको ढेर सारी बेस्ट विशेष ओके यस अभी इधर पे आपको क्या देखना है कॉलम वन और कॉलम टू मैच करना था कोई भी एक डिसीज मैच करो अपना निमोनिया कैसे होता है इट इज बिकॉज ऑफ योर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से ये स्प्रेड होता है यानी कि लंग इन्फ्लोमेशन डिजीज है एड्स आपके फीको ओरल रूट ट्रांसप्लेसेंटल से हो सकता है तो बी का आंसर क्या आएगा थ्री या सिंपल टाइफॉइड खाने के वजह से होता है फीको ओरल रूट डी का वन तो ऑप्शन नंबर ए सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी से आप टाइम बचा सकते हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन चलो देखो मैं आपका टाइम बहुत बचा रही हूँ सेशन स्टार्ट होकर दस मिनट हुआ है हम दसवें क्वेश्चन पे चलो क्विक आएगा आएगा कल एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना तो अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा टेंशन मत लो अभी सिर्फ आंसर दो आएगा कॉन्फिडेंस किधर जाएगा इधर ही आएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों यूज़ करते हैं हम क्योंकि ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे ही कट करता है सो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट right आंसर चलो किसको किसको दस में से एट प्लस मार्क्स आया जल्दी बताओ कम ऑन जल्दी जल्दी बताओ हार्ट भेजो वो बच्चे हार्ट भेजो जल्दी ये चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या आएगा इसका आंसर इन आर डी एन ए टेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई टी आई प्लासमेड टी आई प्लास्मेड कौन से बैक्टीरिया से मिलता है एग्रो बैक्टेरियम टूमी फैशन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कम ऑन थैंक यू सुदर्शन याद दिलाने के लिए सबको मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने इतने एफर्ट्स लिए चलो जल्दी क्या आएगा इसका आंसर आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट डैश फॉर्म्स एम्ब्रियो इन स्पर्म तो हमारा जो एग न्यूक्लियस है ये क्या फॉर्म होता है एम्ब्रियो फॉर्म होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन यस विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ कम्पोनेंट ऑफ बायोगैस बायोगैस में कौन सा कम्पोनेंट नहीं होता है यस ओजोन ओजोन इज नॉट अ कम्पोनेंट ऑफ बायोगैस यस देखो हमारे बायोगैस में कार्बन ये देखो अः अपना मीथेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है एच टू एस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरिन गैस बट इट डज नॉट कंटेन ओजोन गैस ऑप्शन नंबर बीज दी रॉन्ग आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चलो फटाफट नाक को निकाल के साइड में रख देती हूँ ये टू डिफरेंट अमीनो एसिड विच आर नेवर एनकोडेड बाई द सेम कोडॉन ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं नॉन एम्बिगस यानी एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड मिलेगा एक कोडॉन से कभी दूसरा अमीनो एसिड नहीं मिलेगा ठीक है चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बहुत अच्छे से सब लोग आंसर दे रहे हैं आई एम इम्प्रेस्ड वेरी गुड थैंक यू थैंक यू एवरीबडी राइजोबिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं यस, yes. बताओ जल्दी जल्दी <laughs> राइजोबियार आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपने टेक्स्ट बुक में लाइन दी गई है राइजोबियार आर रॉड शेप्ड सो ऑप्शन नंबर बी इसीलिए टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ऑन क्विक यस यस पीडीएफ मिल जाएगा पर अभी आंसर तो दो आएगा स्पैम करोगे तो मैं पीडीएफ नहीं दूंगी स्पैम मत करो तो मैं पीडीएफ इज्जत से दे दूंगी एच एन आर एन ए का प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो टेलिंग में क्या ऐड करते हैं पॉलि और कैपिंग में ट्राई मिथाइल ग्वानोसिन फॉस्फेट तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर ये देखो टेल में हम पॉलीआडिनाइलेशन करते हैं ये टेल है ये कैप है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन कम क्विक सर्दी बहुत गंदी वाली सर्दी है बोल नहीं पा रही हूँ मैं इतना मेरा नाक बंद है द जनरेटिव सेल इन पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म हाउ मेनी न्यूक्लिया है आपका जो जनरेटिव सेल होता है वो माइटोसिस करके कितने सेल बनाता है दो सेल बनाता है सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर वेरी गुड चलो ये देखो जनरेटिव सेल डिवाइड करके टू मेल गैमेट्स बनाता है ये रहा आपका जनरेटिव सेल ओके चलो नेक्स्ट ये कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन अब आएगा क्वेश्चन नंबर एटीन यस जल्दी एग एल्ब्यूमिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास चैप्टर क्लास इलेवेंथ का चैप्टर सिक्स बायोमोलिक्यूल क्या आएगा इसका एग्जाम्पल एग एल्ब्यूमिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन आपके टेक्सट बुक की थियोरी में दिया है ये देखो सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है एग एल्ब्यूमिन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आएगा बताओ 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 केमिकली क्रोमोजोम्स आर मेनली कंपोज ऑफ क्रोमोसोम्स किससे बनते बेटा क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनएस ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर ये देखो ये आपका क्रोमोजोम है ये क्रोमोसोम किससे बना है हिस्टोन कॉम्प्लेक्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो ट्वेंटी मिनट नहीं कितना मिनट हुआ अपने को सत्रह मिनट हुआ और हम ट्वेंटी क्वेश्चन पे ऑन फास्ट जल्दी क्विक क्या आएगा इसका आंसर सो विच ऑफ द फॉइविंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑप्शन नंबर ए इट इज नॉट सेफ अपू थर्टी वीक्स इट इज ओनली सेफ अपू थ्री मंथ्स दैट इज ट्वेल्व वीक्स ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टार्ट ना हो जल्दी जल्दी देखो बीस क्वेश्चन हो गए क्विक फास्ट बताओ क्या आएगा ग्लाइकोलिसिस किधर होता है बेटा इन ऑल लिविंग लिविंग सेल्स यस ये सारे सेल्स में हमको देखने को मिलता है इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर ऑल यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू चलो क्विक जल्दी क्या आएगा इसका आंसर बताओ सिलेक्ट द इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड वेंट्रल हॉर्न्स हैव न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक सिस्टम नो वेंट्रल हॉर्न्स के पास मोटर न्यूरॉन्स न्यूरोस इट डज़ नॉट हैव न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक सिस्टम लेट्रल हॉर्न के पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स है वेंट्रल हॉर्न के पास कौन सा न्यूरॉन्स है इट हैज़ यस मोटर न्यूरॉन्स का सिस्टम ठीक है चलो ये कौन सा क्वेश्चन था ट्वेंटी टू अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे चलो फटाफट क्विक चलो रे मेरे आलसी बच्चों क्या आएगा एंट्रोगे हॉर्मोन प्लेस वाइटल रोल इन इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस ये देखो आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में चैप्टर नंबर नाइन जो है ना उसमें लास्ट में दिया है गैस्ट्रीन इनहिबिन तो उधर पे आपका ये जो गैस्ट्रिन होता है वो आपका गैस्ट्रिक जूस इनहिबिट करता है ताकि जब आप उपवास रखते हो तो आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस रहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एंडिंग वाला पार्ट देखो ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्विक ट्वेंटी वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन था क्विक रिविजन टिप्स मैंने ऑलरेडी डाली है बेटा क्या क्या रिविजन करना है आज ही चार बजे वीडियो डाला है पांच बजे जाके देखो क्विक रिविजन टिप्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस वाटर बिना वाटर के आप फोटो सिंथेसिस नहीं कर सकते सी ओ टू प्लस वाटर आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा एंड ऑक्सीजन बनाएगा सो एसेंशियल इज वाटर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का था ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वॉज फ्रॉम चैप्टर टू एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव यस यह रहा आपका क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव चलो आंसर दो फटाफट रिजल्ट कब लगता है सीई का सीई का रिजल्ट लगता है जब पी का एग्जाम खत्म हो जाएगा सब सीई के शिफ्ट खत्म हो जाएंगे तो उसके पंद्रह दिन के बाद पंद्रह से बीस दिन के बाद हनुमान काचावे बेटा मैंने रिवीजन टिप्स ऑलरेडी दे दिया है स्पैम करने के लिए मैं आपको थोड़े टाइम के लिए टाइम आउट कर रही हूँ थोड़ा शांति ले लो ओके okay? चलो क्या आएगा इसका आंसर ओके सो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोम रूलर ये क्लास इलेवेंथ एक्सक्रीशन चैप्टर का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओके योर हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड इन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड ब्लड प्लाज्मा अलॉन्ग विद प्रोटीन उज इज आउट थ्रू ग्लोबल रूलर वॉल ये देखो आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है चलो ये कौन सा क्वेश्चन था ट्वेंटी फाइव अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे मत सताव रे मुझे बोलने नहीं हो रहा है फिर भी मैं सेशन ले रही हूँ एटलीस्ट प्लीज पैम तो मत करो देखेंगे देखेंगे कल वाला क्वेश्चन लेंगे कल क्वेश्चन लेंगे कि नहीं लेंगे देखेंगे अभी किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो कल लेके क्या करूंगी

देखेंगे देखेंगे कल का सेशन ठीक है रे कल का कल देखेंगे अभी तो आंसर दे दो अभी आंसर दे दो ठीक है इट्स ओके okay, चलो सो दीरो टाइप ये आपके चैप्टर थ्री इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला है वेस्टिजियल विंग्स का जीनोटाइप टाइप क्या होता है उनके पास एक भी आ, ये नहीं होता है वेस्टिजियल यानी कि वेस्ट विंग्स सो so उनके पास कोई भी इधर पे सिंबल नहीं है ठीक है ये देखो आपके टेक्स्ट बुक के इसमें दिया गया है टेबल में ही दिया गया है इसीलिए मैंने बोला लास्ट मिनट टिप्स वाला जो वीडियो मैंने बताया है उसमें मैंने यही सब बोला है कि टेक्स्ट बुक का टेबल्स रिवाइज करो टाइम मत करो जाके बुक खोलो और रिवाइज करो चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट जल्दी जल्दी हाँ टी कॉर्न के वजह से कौन से इंसेक्ट पे असर पड़ता है मोनार्क बटरफ्लाई चलो क्वेश्चन नंबर so, था ना क्विक हंड्रेड एमसीक्यू के सब वीडियोस देख लिए तो आपका ऐसा तो नहीं बोल सकते हंड्रेड में से हंड्रेड आएगा बायो में बट काफी डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे मैं एग्जाम देने गई तो कुछ नहीं होगा मुझे क्वेश्चंस पता चलेंगे तो मैं अपने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी फ्लावर्ड प्लाट्स वॉट विल बी दर्सेंटेज ऑफ वाइट प्रोजेनि देखो वन इज टू टू इज टू वन का रेशियो मिलता है जब आप एफ वन हाइब्रिड को एफ वन हाइब्रिड के साथ क्रॉस करते हो यह है आपका रेड प्रोजेनी यह है आपका पिंक और यह है आपका वाइट ठीक है तो फिफ्टी परसेंट पिंक मिलेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट रेड और ट्वेंटी फाइव परसेंट वाइट आपको व्हाइट का प्रोजेक्ट पूछा है तो इट विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट यस टेन का ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना होता है टू पॉइंट फाइव यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी हंड्रेड चाहिए तो अभी क्यों पूछ रहे हो हंड्रेड चाहिए तो साल भर पढ़ाई करनी चाहिए थी मेरे वजह से कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ने वाला है बाबा मैं कोई बहुत तोप इंसान नहीं हूँ मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है जो मेरे वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा आप लोग साल भर से पढ़ रहे हो आपका अच्छा नॉलेज है ठीक है मैं सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न देखने जा रही हूँ हो सकता है कि मैं आंसर अटेम्प्ट भी ना करूँ ओके सो गिवन मिलो आर टू स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लिटोरिस ये आपके चैप्टर टू एनिमल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है इट हैज़ स्मॉल कॉनिकल एंड सेंसिटिव प्रोजेक्शन करेक्ट इट हैज़ पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू कॉर्पस पॉजियोसम नो इट हैज़ कॉर्पस केवरनोसा कॉर्पस केवरडोसा इज इरेक्टाइल टिश्यू स्पोर्जियो सब नहीं होता है सो दी इज द राइट आंसर चलो आ गए क्वेश्चन थर्टी वन पे जल्दी ये कंप्लीट द following ए टी पी प्लस आई पी प्लस डैश किलो gives गिव्स ए टी पी कितना किलो कैलोरी आएगा सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलोरी ये देखो आपके टेक्सट बुक का ही ये है चैप्टर एट आपके टेक्सट बुक का चैप्टर एट रेस्पिरेशन एज सर्क्यूलेशन ये देखो ये रिएक्शन दिया है ऐसा रिएक्शन आ गया तो तुम नाचोगे और बोलोगे अरे रे टेक्सट बुक के बाहर का क्वेश्चन आया टेक्स बुक के बाहर का क्वेश्चन आया पागल लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्या आएगा बताओ इन ओव्यूल विच सेल इज हेप्लॉयड एंटीपोडाल सेल्स इज हेप्लॉयड ये डिप्लॉयड होता है डिप्लॉयड होता है डिप्लॉयड होता है ओनली एंटीपोडाल सेल इज हेप्लॉयड सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री मैं नहीं बता सकती कि आपका क्या मार्क्स आएगा हर्षा पाटिल आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए हैं बहुत अच्छी बात है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं करोगे तो नहीं आएंगे क्योंकि वीडियो देखा इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है वीडियो देख के आपको सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन यही आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है गारंटीड क्वेश्चन नहीं है ओके तो साइकोसिस विच मीन वॉट एक्सट्रीम इल्डरजेस इन फूड ये आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है बहुत ज्यादा जब हम खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ खाना खाओ स्ट्रेस आया खाना खाओ कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं सो दैट इज नोन एज बुलिविया ओके ऑल राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर बताओ क्या आएगा? यानी yes. no अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी ग्रोथ स्टॉप हो गई तो उसको बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी yes. ये देखो इधर दिया गया है ओके okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इसलिए बोल रही हूँ टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है अरे बहुत ज्यादा खराब है तबीयत वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड बाय मैक्रोफाज एक्टिवेटिंग फैक्टर इट कैन बी ट्रीटेड बाय कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय मैक्रोफाज एक्टिवेटिंग फैक्टर यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स कैंसर के केस में आपके सेल्स जब अनकंट्रोल ग्रोथ दिखाते हैं तो माइक्रोफाज की मदद से आप उन सेल्स को किल कर सकते हो इसीलिए माइक्रोफाज एक्टिवेटिंग फैक्टर कैन कंट्रोल कैंसर टाइमर स्टार्ट किया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है दिस इज पी दिस इज क्यू आर एस एंड दिस इज टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स होते हैं पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है यस yes, चलो सो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर ये देखो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्री वेंट्रिकल्स कांबर थर्टी सेवन क्विक ओके कंप्लीट डायनोलॉजी मेलाटोरिन बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर चाहिए थायरोक्सिन बनाने के लिए वी नीड टायरोसिन सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओके थायरोक्सीन इज सिंथेसाइज्ड बाय अटैचिंग आयोडीन विथ टायरोसिन ओके सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन नाउ कम्स थर्टी एट चलो रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन डिपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन सो कॉन्ट्रैक्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर आपका मोर्यूला कब फॉर्म होता है इधर देखो ये आपका मोर्यूला है एट द एंड ऑफ फोर्थ डे तो फॉर्मेशन ऑफ मोरियूला एट द एंड ऑफ फोर्थ डे तो ए का आंसर क्या आएगा टू हर जगह पे कॉमन है आपका गैस्ट्रुलेशन कब स्टार्ट होता है अराउंड एट्थ डे पे तो डी का आंसर क्या आएगा वन ये देखो यहाँ और यहाँ सेम है तो ये और ये कट हो जाएगा फिर आपका ब्लास्टुलेशन कब कंप्लीट होता है अराउंड सेवेंथ डे तो आपका बी का आंसर क्या आएगा थ्री ये देखो इधर पे है ये भी थ्री बट ये तो आपने पहले एलिमिनेट कर दिया तो ऑप्शन बी ओके चलो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन थर्टी नाइन जल्दी क्या बात है अपने ट्वेंटी फे फाइव मिनिट्स थर्टी नाइन क्वेश्चन पे हो क्या बात है काउंटिंग बराबर की है ना <laughs> यस yes. चलो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट इधर पे दो हाइब्रिड दिखाई दे रहे हैं टू रेस टू एन यानी कि चार गैमेट्स ओके गैमेट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हर्षा पाटिल इट्स ओके रिलैक्स रिलैक्स करो शांति रखो अच्छा थर्टी टू मिनट हो गया oh, मेरे को पच्चीस थाचुरेटेड फैटी एसिड ग्यारहवीं बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा है स्टीयरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन मेरे जो मॉडरेटर्स है बेटा कोई भी बच्चा अगर पांच दस बार से ज्यादा से सेम क्वेश्चन स्पैम uh, करेगा तो ही उनको टाइम आउट करो एक दो बार में टाइम मत करो ठीक है ओके okay. क्विज नहीं आपको इधर ही आंसर देना है इमेस्क्यूलेन यानी रिमूवल ऑफ एंथर द डैश इज नॉट एन ऑर्गन इंक्लूडेड इन लिम्फेटिक सिस्टम तो लिवर अपना लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नरेश चलो जल्दी हाँ यस इन स्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप्स फ्रॉम वेयर द सीड डेवलप्स फ्रॉम ओवियूल सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवरी से फ्रूट बनता है और से सीड बनता है बहुत बार बताया है मैंने ये ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री चलो जल्दी सर्दी बुखार कुछ भी रहेगा तो भी एग्जाम में बैठना पड़ेगा गया अभी कोरोना अभी कुछ नहीं है अभी कुछ एक्सक्यूज नहीं दे सकते गोल्डन मस्टर्ड में क्या सबसे ज्यादा होता है विटामिन ए ए फॉर अंजलि ए फॉर विटामिन ए फॉर अंजलि ए वाले लोग सारे सोने के जैसे चमकते हैं तो गोल्डन मस्टर्ड गोल्डन राइस सब गोल्डन गोल्डन दिखता है बिकॉज ऑफ विटामिन ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर कम मैच करो यस yes. क्या आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यानी कि आपके जो बर्ड्स है ये माइग्रेशन करते हैं ओके okay? तो ए का आंसर थ्री सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है सब कैंसल सिर्फ सी इज द राइट आंसर सीधा सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी ओके ये देखो हाइबरनेशन कौन करता है बेर्स एंड स्क्विरल हाइबरनेशन कौन करेगा बेर्स और एस्टिवेशन कौन करेगा आपके सेल यस yes? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी चलो क्विक बॉडी साइडीज कॉल्ड एज आईवीएफ तो आंसर क्या आएगा इसका बी ओके okay, चलो नेक्स्ट बॉडी के बाहर करते हैं तो आंसर आएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ये देखो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आंसर दो फटाफट केमिस्ट्री के लिए क्या टिप बताओ टेक्स्ट बुक पढ़ो टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री टेक्स बुक में सब कुछ हवा निकल रही है सिर्फ यस yes. मेजर बायोडाइवर्सिटी हर्ब्स ऑन अर्थ आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको नेचुरल uh, कंडीशन देखने को मिलते हैं और लेसर क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है इसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है ओके okay? चलो क्वेश्चन फोर्टी चलो यस yes, क्या आएगा इसका आंसर सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्क्रीनिंग फिर कचरे को नीचे बिठाते हैं फिर उसको एरेशन टैंक में डालते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करते हैं और फिर उसको सेटलिंग टैंक में डालते हैं ये देखो स्क्रीनिंग देन सेडिमेंटेशन ग्रीक सेटिंग और फिर उसके बाद में उसका एरेशन टैंक एंड देन सेटलिंग टैंक ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन था फोर्टी अभी आएगा फोर्टी चलो Yes. ये क्वेश्चन आपका एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन से था और ये वाला क्वेश्चन आपके फिफ्टींथ uh, चैप्टर से बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स सो इट इज सर्टन दैट लॉस ऑफ स्पीशीज मे नॉट पोज थ्रेड टू इकोसिस्टम ओनली इनिशियली ये करेक्ट है लॉस ऑफ की स्पीशीज विल अफेक्ट फूड चेन फूड वाई एनर्जी फ्लो ये भी करेक्ट है सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन चलो लास्ट फिफ्टी क्वेश्चन बचे हैं गैस क्या आएगा इसका आंसर थोरैसिक प्रेशर चैप्टर एट रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन थोरैसिक प्रेशर इंक्रीजेस कब इंक्रीज होता है थोरैसिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ओके आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है दिस इज फॉल्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इट इंक्रीजेस एक्टिवेशन ऑफ न्यूमोटेक्सिक सेंटर स्टिमुलेट्स इंस्पिरेशन नो न्यूमोटेक्सिक नहीं आपका

आंसर कार्डियाज इन एक्सेप्ट कार्डियक एक्टिविटी कब डिक्रीज होती है of, मतलब ये सारे कंडीशन में अपना हार्ट रेट स्लो हो जाता है लेकिन जब एपीनेफरिन बनता है adrenaline hormone, adrenaline hormone, तो इस टाइम में आपका कार्डियक्टिविटी इनक्रीज होता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन आठ सौ नौ सौ बच्चे लेक्चर देख रहे हैं ठीक है लेकिन लाइक देखो कितना कम है आलसी कही के एक लाइक बटन पे क्लिक कर देखो इतना भारी पड़ता है चलो क्या आएगा पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रू इन वेन्स ब्लड फ्लोज रैपिडली फॉल्स करेक्ट स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी तबीयत Yes क्या आएगा इसका आंसर

जल्दी यस यस यू कैन वेयर बुरखा चेकिंग के टाइम पे चेक करेंगे फिर उसके बाद आप जा सकते हो पहन के कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट uh, वो नहीं है कंपाउंड अर्गोस्टिरोल इज विटामिन डी आपका ये देखो एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर चैप्टर इलेवन का क्वेश्चन है ओके okay, ये देखो आपका जो विटामिन डी है उसको क्या बोलते हैं अर्गोस्टिर ऐसे कोपचे कोपचे से क्वेश्चन आता है चलो क्वेश्चन फिफ्टी फोर म्यूटेशन इज अ फिनल इन विच डैश टेक्स प्लेस सबको अच्छा कॉलेज मिलेगा रे अच्छे से मार्क्स लाओ सबको अच्छा कॉलेज मिलेगा एक क्वेश्चन को मैक्सिमम थर्टी फाइव सेकंड्स देना है थर्टी फाइव टू फोर्टी सेकेंड्स म्यूटेशन इज अ फिनोमिनल इन विच सडन चेंज इन अ सीक्वेंस ऑफ प्लेस सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव नंबर

रूट एयर में आउटर मेमरेन किससे बनती है और इनर मेमरेन किससे बनती है स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट ये देखो अपने रूट एयर में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ पेक्टिन एंड इनर मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ सेल्यूलोर तो इधर पे काइटिन की जगह क्या आएगा पेक्टिन स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बट वन इज इन करेक्ट ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्या आएगा पायरुविक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सीन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन आंसर गया ऐसा हुआ है आज तक कि मेरा एक आंसर ना दिखे पूरे सेशन में मैं इधर चैट बॉक्स में देख रही थी तब तक, तक इधर आंसर दिख गया नजर हटी दुर्घटना घटी हनुमान कासावे बेटा आप अननेसेसरी कमेंट करोगे तो आपको टाइम आउट कर दिया जाएगा यस इसका आंसर क्या आएगा सेरिब्रम इज कंट्रोल्स मेमोरी एंड इंटेलिजेंट हाइपोथेलेमस कंट्रोल्स वॉट इट कंट्रोल्स होमियोस्टेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ न्यूरो हार्मोस तो डी का आंसर आएगा थ्री और डी का आंसर थ्री ये दो ऑप्शन में है तो ये पहले ही दो कट हो गया मेड्यूला ऑब्लोगेटा कंट्रोल्स इक्वल एंड बैलेंसिंग कंडीशन सो सी का आंसर सी so का आंसर मेड्यूलाब्लोगेटा कंट्रोल सॉरी इनवॉल्ट्री एक्टिविटी एंड सेरीबेलम कंट्रोल्स बॉडी पॉस्चर ओके सो आंसर इज सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट आई गो एड कल से स्टार्ट हो रहे बेटा पीसीबी के एग्जाम टाइम मत करो बच्चा कर दिया टाइम आउट ही कर दिया यस सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा इधर पे इट इज अ बच ऑफ सेवरल नर्व्स प्रेजेंट इन मोमेंट कैप्सूल नहीं नर्व्स नहीं होता है सेवरल ब्लड वेसल होता है देन इट इज फॉर्म फ्रॉम टर्मिनल ब्रांच ऑफ रीनल वेट डो ग्लोबे रूलस इज फॉर्म फ्रॉम आटरीज ओके देन हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑगमेंटेशन टू टेक प्लेस तो ऑगमेंटेशन मतलब क्या होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन, तो इधर पे स्लो होना चाहिए प्रेशर तभी आपका अल्ट्रा uh, ये आपका ट्यूबुलर सेक्रीशन और uh, क्या बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉपन होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन ए सॉरी फिफ्टी नाइन फिफ्टी थैंक्स हाँ थैंक्स क्या है आंसर <गा> ही <laughs> चालू नहीं है आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर वी री जनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स स्पार्किसन डिजीज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है चलो मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई है और चार्जर ही नहीं है चार्जिंग चालू ही नहीं किया मैंने चलो हार्मोन सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम डज नॉट इंक्लूड व्हाट अरे रे निखिल टाइम आउट तू चुकून झाला असेल बाळा कोणी टाइम आउट करत नाही आहे मॉडरेटर्स मत करो किसी को टाइम आउट रहने दो जो बोल रहे बोलने दो आई विल टाइम आउट देम मॉडरेटर्स किसी को टाइम आउट मत करो ठीक है आज लास्ट सेशन है एक दो दिन और झेल लेते हैं ओके हार्मोन सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम लूटियम नॉट इंक्लूड एलएच एलएच हार्मोन आपके कॉर्पस ल्यूटियम से, से प्रोजेस्ट्रॉन बनेगा इनबिनोजन बनेगा, बनेगा बट एलएच नहीं बनता है, है। इन्हेबिन भी, भी बेटा ल्यूटियम से बनता है जब एफएसएच हार्मोन स्टॉप करना होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका इन्हेबिन सेक्रेट करता है जाने दो कामिनी स्पैम करने दो जाने दो इट्स ओके आई विल आई विल टाइम आउट देम इट्स ओके तुम लोग क्यों बुरे बनते हो कामिनी अभी जाने दो हो गया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसी साइकिल इज एसिटाइल कोएंजाइम है ये देखो ये आपका कनेक्टिंग लिंक है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थैंक यू ठीक है इट्स ओके इट्स ओके एवरीबडी अभी कोई टाइम आउट नहीं होएगा अभी जो भी बकवास करेगा उसको मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगी रिलैक्स करो कॉर्ड्रेट एंडीरे अटैच बाइक स्पीड एंड ट्राइक स्पीड टू वस, पैपिलरी मसल्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री या आपका हार्ट है इधर पे आपका बाइक स्पीड बसल है या आपका कॉर्डेट एडिरे है या आपके पैपिलरी वसल से अटैच करता है यस yes? चलो अ कलर ब्लाइंड मैन अ कैरियर एक कलर ब्लाइंड मैन है ये शादी कर रहा है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बी कलर ब्लाइंड इज फिफ्टी परसेंट ये देखो बच्चे सन पूछा है ना तो सन के पास तो फादर का वाई रोग आएगा मदर का कैपिटल सी आया तो नॉर्मल सन होगा और अगर मदर का स्मॉल सी आया तो आपका कलर ब्लाइंड सर होगा सो 50 परसेंट चांसेस है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आह oh. यस yes. लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन एनी एरिया कैन लीड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्रॉप डाइवर्सिटी अरे बायोडाइवर्सिटी गायब हो गई तो क्रॉप डाइवर्सिटी थोड़ी होगी उल्टा क्रॉप डाइवर्सिटी कब हो जाएगी सो सिक्सटी फोर का आंसर है बी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 फाइव चलो फटाफट

गाड़ी चल रही है मेरी नाक से गाड़ी चल रही है इतनी गद्दी वाली सर्दी हुई है एम एस टी सी टी एग्जाम खत्म होने के पंद्रह बीस दिन के बाद रिजल्ट आएंगे यस yes. क्या आएगा इसका आंसर द एंड मसल्स करेक्ट इट दिस हेल्प्स इन द दिसम्परेचर करेक्ट सॉरी फाइव टू टेन डिग्रीज दही टू डिग्रीज लोअर देन बॉडी टेम्परेचर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखो टू टू थ्री डिग्रीज लोअर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी जल्दी एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडर गोस थ्री सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ये देखो ये आपका एम्ब्रियोनल इनिशियल है

यस, व्हाट मीड बी द जीरो टाइप ऑफ द पेरेंट ऑफ अ कलर ब्लाइंड डॉटर एंड अ सन विद नॉर्मल विजन देखो अगर सन नॉर्मल है मतलब मदर पक्का कैरियर है मदर इज कैरियर और अगर डॉटर कलर ब्लाइंड है तो फादर इज कलर ब्लाइंड क्योंकि एक रोमो फादर से आता है डॉटर में एक मदर से आता है सो मदर इज अ कैरियर एंड फादर इज अ कलर ब्लाइंड ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन येस क्या आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चलो नेक्स्ट ये आपके थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी आएगा आएगा गिव अवे आएगा सिल्वर बटन तो आने दो गणपति तक आएगा गिव अवे टेंशन मत लो सिल्वर बटन आने के लिए एक महीना लगता है प्रियांशु सिंह ठीक uh, है मैं बाद में देख के बताती हूँ बेटा ओके okay? रुको जरा मुझे नीचे से मम्मी को बुलाना पड़ेगा लैपटॉप तो का चार्जर बन ओके okay. चलो यस yes. क्या आएगा इसका आंसर पालविटिक्स स्टीयरिक एसिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन फिफ्थ चैप्टर बताओ जल्दी क्या आएगा इसका आंसर होमोहेबिल रियांडर्थल बैर का फोर्टीन फिफ्टी सीसी येस दिस इज द करेक्ट आंसर ये देखो रियांडर्थल बैर का फोर्टीन हंड्रेड है होमोसेपियस बॉर्डर बैरिज विथ फोर्टीन फिफ्टी तो न्यायंदर्थल मैन का भी फोर्टीन हंड्रेड दि, नहीं दिया है ना तो हम इससे आसपास का वैल्यू करेक्ट करेंगे ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ ये कितना क्वेश्चन था आपने सेवेंटी वाला अभी सेवेंटी टू चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू यस कवर्ड क्विक in situ conservation of biodiversity is done at in. in situ conservation कहाँ पे होता है बेटा नेशनल पार्क्स में सीधा आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया गया है ओके ये देखो नेशनल पार्क चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन मिलो एक मिनट हां यस yes, चलो अभी चार्जर चालू हो जाएगा लैपटॉप का हाँ तो so आंसर क्या आएगा इसका स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज़ इन करेक्ट लदाख डज़ नॉट शो हाई लेवल ऑफ इको डायवर्सिटी डाइवर्सिटी बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर चलो फादर इज यस थैंक यू Yes, यस मैं देख लूंगी बेटा यस yes, इसका आंसर क्या आएगा इट सपोर्ट्स यूवर स्पीशीज एट अ टाइम दिस इज द इट करेक्ट स्टेटमेंट देश में एक स्पीशीज एक ही टाइप पे रहेगा ठीक है चलो नेक्स्ट दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है सेवेंटी फाइव मैंने ध्यान दे दिया और आंसर दे दिया ठीक है चलो दो क्वेश्चंस हो गए कोई बात नहीं मैंने थोड़ा लैपटॉप की तरफ ध्यान दिया तो आंसर क्लिक हो गया ओह गॉड चलो जल्दी यस yes. वाई क्या है थ्रो अपना थ्रोबोसाइट और एक्स क्या है एरिथ्रोसाइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स चलो क्या आएगा आंसर रेल गैबेट आर नॉन फ्लेजलेट दे आर नॉट मोटाइल नॉन फ्लेजलेट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन यस, yes. बताओ जल्दी एक्वेटिक हैबिटेट प्राइमरी सक्सेशन फाइटो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी एट ये देखो प्राइमरी सक्सेशन एंड फाइटो ओके सेवेंटी एट तो बहुत क्या आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट एलिमिनेशन ऑफ अलील ड्यू टू नैचुरल पॉपुलेशन अर्थक्वेक और फ्लड आंसर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट लोक्वेशन सेवेंटी नाइन नीट अभ्यास तो मिले गवर्नमेंट कॉलेज पर मिले नीट अभ्यास करा फक्त चला आएगा इसका आंसर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सोर थ्रोट एंड दिस इज नॉट द साइड ऑफ अस्थमा ओके यस अस्थमा के सिप्ट देखो क्या क्या है ये है चलो क्वेश्चन एट्टी लास्टी क्वेश्चन लेफ्ट बच्चा I... यस yes. क्या आएगा इसका आंसर ग्लूकोज और गैलेक्टोज किससे मिलता है लैक्टोज बायोवोलिक्यूल्स चैप्टर ओके okay, चलो क्वेश्चन एटी वन यस आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी चलो नेक्स्ट ये एनहार्समेंट चैप्टर का क्वेश्चन था क्वेश्चन एटी टू लगा लिया बाबा चार्जर लगा लिया <laughs> गया गला नाक सब गई मेरी आंसर हाँ, इस अच्छा ये भी पहले ही दिख गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एटी थ्री फोड़ दुखे मैं स्लैब आंसर पहले ही दिख जा रहा है देवूप चलो जल्दी तो बात क्या आएगा इसका आंसर इंडस्ट्रियल ट्रैक में हमको सूडोवरा से मिलता है या हॉस्पिटल में मिलता है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एटी फोर आशीर्वाद मेरा बहुत सारा आशीर्वाद हाँ गला सब क्या आएगा आंसर बी इज द राइट वन चलो क्वेश्चन एटी फाइव क्विक थ्री फॉर्स्टफॉर्ग ये थ्री फॉर्स्टफॉर्ग लिस्ट्रल डी हाइट्स टू फॉर्स्टफॉर्ग लिस्रल यूटेज नेक्स्ट ये देखो थ्री से टूटे नेक्स्ट ये कौन सा क्वेश्चन था एटी फाइटी सिक्स ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट एवरीबडी कल कल जिसका पेपर है यस 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 जाओगी डॉक्टर के पास जाओगी यस yes. सीवेज ये चैप्टर इलेवन एटमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ सीवेज इज देवर सेफ हॉस्पिटल का कचरा अलग घर का कचरा अलग सब अलग अलग रहता है इट इज़ देवर सेफ चलो क्वेश्चन एटी सेवन वेरी गुड वेरी गुड लिव डज नॉट कंटेन वॉट एंड प्लेटलेट्स अपने चैप्टर के थियोरी में दिया है चलो एटी एट क्वेश्चन एटी एट यस

यस इजी क्वेश्चन लाओ तो बोलते हो इजी क्वेश्चन है हार्ड क्वेश्चन लाओ तो बोलते हो हार्ड क्वेश्चन है एबडेशिया इज अ सिम्टम ऑफ ये एड्स एबडेशिया इज लॉस ऑफ मेमोरी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आईटी चलो 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 लास्ट दस बारह क्वेश्चंस बचे हैं तो बात क्विक क्या है गाइस का आंसर माउस विच एनिमल इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट रोल ऑफ माइसर आर एस माउस ये देखो माइसर राजजीव कैंसर रिसर्च यस दिस वाज क्वेश्चन नंबर एटी नाइनटी चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन जल्दी एनी रैंडम फ्लक्चुएशन इन अलील फ्रिक्वेंसी बाई प्योर चांस इज कॉल्ड एज वॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जल्दी ऑर्गन विच इज होमोलोग इन फीमेल इज लेबिया मेजोरा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री क्या आएगा आंसर ये हाउ मेनीस टू प्रोड्यूस हाउ मेनी पी हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ एटी पी ड्यूरिंग एनोरो रेस्पिशन ये देखो इधर पे एनोरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे कितने ए टी पी फॉर्म हो रहे है फोर ग्लाइकोलिसिस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर ये देखो इधर पे टू और इधर पे टू चलो नाइन्टी सिक्स नाइन्टी फाइव क्वेश्चन नाइटी फाइव सॉरी नाइन्टी थ्री क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर श्रमण आई डी फोर यस क्या आएगा आंसर द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन फैक्टर नाइन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिमोफीलिया बी चलो नेक्स्ट ये देखो आपके बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का टेबल बोला था ना मैंने टेबल रिपीट करो चलो द ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस एंड गोल्डन मस्टर्ड आर वेराइटी डैश कंटेंट टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आएगा इसका इट इज़ बिकॉज ऑफ विटामिन ए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है अगर इसका क्वेश्चन आया तुमने आंसर नहीं दिया ना मुझे मत दिखाना अपनी चलो क्वेश्चन नंबर नाइटी सिक्स क्या आएगा इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एक्सक्रीशन चैप्टर का क्वेश्चन है चलो क्वेश्चन नाइनटी सेवन यस जल्दी दिस वॉज फ्रॉम योर

यस yes, आंसर क्या आएगा मिडल इज अप ऑफ बीस सोड बाकी सारे के सारे ये देखो अलग अलग ओरिजिन से ओरिजिनेट हुआ है चलो क्वेश्चन आई टी कौन सा था ये क्वेश्चन राइट right right right. चलो क्वेश्चन आई टी राइट यस इन प्लांट्स विच हॉर्मोन इंड्यूसेज आरएनए सिंथेसिस क्या आएगा आंसर साइटोकाइनेज चलो ये देखो टेक्स्ट बुक में दिया है साइटोकाइनेज इंड्यूसेज आरएनए सिंथेसिस चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था नाइन्टी सेवन एट नाइन्टी नाइन नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर हंड्रेड चलो जल्दी अच्छा कल का आपको जो जो क्वेश्चंस याद होगा आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दिया गया एक टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिंक दिया गया है आ, रुको मैं इधर पिन कर देती हूँ एक मिनट हाँ कहा गया वो ग्रुप एक सेकेंड आएगा द ब्लड रिपोर्ट ऑफ अ डेडिकेटेड एलिवेटेड लेवल ऑफ क्रिएटिनिन तो ऐसे पेशेंट को क्या बोलेंगे अक्यूट रीनल फेलियर ग्यारहवीं में किया था हमने ये चैप्टर याद है सबको यस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चलो क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन जल्दी अभी पिक्चर बाकी है बच्चों पिक्चर खत्म नहीं हुई है uh, हाँ आज जो वीडियो आई थी उसमें आपको एक टेलीग्राम की लिंक दी थी हमने डिस्क्रिप्शन uh, एक हाँ। क्या है इसका कौन से राइबोसोम के थ्री साइड्स होते हैं ए ई -E. कौन से थ्री साइड्स होते हैं ए ई -E. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू चलो 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 जल्दी चलो देखो मैंने आपको एक लिंक पिन की है ये ग्रुप ज्वाइन करो और जिसका जिसका जैसे जैसे आ, ये आता जाएगा शिफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे आप इस ग्रुप पे क्वेश्चन भेज सकते हो ठीक है सिंगलिड को क्या बोलते हैं स्कूटे सबने ये ग्रुप ज्वाइन किया है यस yes. देखो मैंने एक लिंक पिन की है लिंक टेलीग्राम की जो लिंक है उसको मैंने पिन किया है ये ग्रुप ज्वाइन करो जैसे जैसे क्वेश्चन आपको याद रहेगे एग्जाम दे के आओगे तो सीधा इस ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दे रहा या टेलीग्राम का जो अपना एडमिन है ए पी करके टेलीग्राम ग्रुप के अपने जो एडमिन है ए पी करके आप उनको भी क्वेश्चन लिख के फोटो भेज सकते हो ओके चलो सो इसका राइट right आंसर आएगा डी चलो क्वेश्चन वन जीरो थ्री जल्दी आकस्कार्डोइन्ट होता है पास। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज काउंस्ट ड्यू टू क्या है इसका आंसर बोथ इंसर्शन और डिलीशन सो ऑप्शन अब बी इज द राइट आंसर चलो क्वेश्चन वैल्यू फोर हंड्रेड एमसीक्यू से ज़्यादा है जल्दी 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 क्विक आएगा इसका आंसर चलो चैप्टर फोर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ यस आंसर इज सेट्रिफिकेशन हमने सेट्रिफिकेशन टेक्निक यूज की थी यस yes, चलो लास्ट क्वेश्चन है शायद क्वेश्चन <laughs> मुझे याद नहीं है मैं कितने क्वेश्चंस लेकर आई हूं यस yes, जल्दी जल्दी आंसर करो कल एग्जाम है जल्दी 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 <sighs> इंट्रा स्पेसिफिक इंटरक्शन अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज रॉन्ग इंटर स्पेसिफिक इंटरक्शन इज क्लासिफाइड इन टू तो फोर टाइप्स आंसर क्या आएगा बोथ द स्टेटमेंट आर इन करेक्ट ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स शायद ये लास्ट क्वेश्चन है चलो जल्दी

क्या आएगा इसका आंसर साइक्लोसिस चैप्टर एट आंसर इज राउंड साइक्लोसिस किधर देखने को मिलता है हमको सब जगह देखने को मिलेगा एक्सेप्ट राउंड ये देखो साइक्लोसिस पैरा में भी होता है अबीबा में भी होता है डब्ल्यू बी सी में भी होता है बट राउंड वर्म में नहीं होता ठीक है दिस वॉज क्वेश्चन जीरो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको जो क्वेश्चन याद रहेगे Based तो आप टेलीग्राम में जो अपना एडमिन है ए पी करके इसको प्लीज क्वेश्चन भेज दे रहा या जो लिंक मेरे पी की है वो लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो ओके यस और आप यहाँ से बायोलॉजी का अभी भी टाइम है पूरा वन शॉट रिवीजन कर सकते हो फिजिक्स का वन शॉट रिवीजन कर सकते हो ये अभी इसी साल का क्रैश कोर्स है पूरा वन शॉट रिवीजन यहाँ पे भी बायोलॉजी फिजिक्स का पूरा वर्कशॉट मिलेगा यहाँ फ़िजिक्स के एमसीक्यूज बायो के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बायो के शिफ्ट वाइज एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपको येस उसके अलावा हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है लैब ट्यूटोरियल यहाँ पे एलेवंथ के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं तो अगर आप अपने भाई बहन फ्रेंड किसी का भी एडमिशन बुक करना चाहते हो तो इस नंबर पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है कि आप कहाँ रहते हो और आपको एडमिशन चाहिए ठीक है ज्ञानलव ट्यूटोरियल में पूरे मुंबई में सबसे लोएस्ट प्राइस में बेस्ट एजुकेशन मिलता है लेकिन ये सिर्फ मुंबई के स्टूडेंट्स के लिए दादर साहिद वड़ाला माटूगा ओके यू कैन ऑलसो सब्सक्राइब टू आर चैनल ज्ञान लव एच और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो अभी मैं इधर पे अपना पीडीएफ भेज दूंगी ठीक है चलो मेरा एग्जाम ब्लॉग इस चैनल पे आएगा लाइफ बफरिंग पे तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जल्दी जल्दी सब लोग अपना मार्क्स कमेंट करके बताओ दो क्वेश्चन रिपीट हुए थे तो एक में से आपको कितना मार्क्स आया है जल्दी कमेंट करो ठीक है सबको 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 ऑल द बेस्ट फॉर टू एग्जाम बिल्कुल पैरिक नहीं हो रहा है बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा है सब आराम से हो जाएगा ठीक है चलो